नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ 560वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इस तरह के वर्ड मीनिंग को एक बार में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ आप बहुत लंबे लंबे लेटर्स वाला भी वर्ड मीनिंग बहुत ईजी और आसान तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे कुछ, क्योंकि जो तरीका है और उच्चारण क्या है, इसका एग्जैक्ट उच्चारण क्या है, सही क्या इस वर्ड को बोलेंगे, या इसी तरह के अनेक जो आप देखेंगे 25-26 वर्ड जो कि रोज़ आता है, उसके बारे में टेक्स्ट का आता है कि कैसे तोतों को पढ़ा जाता है। और आप अगर बिगिनर हैं तो यह वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है। और सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, तब आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगा। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करना होगा कि अल्फ़ाबेट के बारे में। एक्चुअली अल्फ़ाबेट जो होता है वो 26 होता है, और जो कि A to Z यानी कि ए से लेकर जेड तक, जिसमें कि AEIOU ये पांच जो है वॉवेल हैं, और ये वॉवेल बहुत ही काम के वॉवेल है, क्योंकि इसी पे और इसी को आधार बनाकर कोई भी वर्ड मीनिंग तैयार किया जाता है। तो देखिए 26 में से पाँच बहुत ही अनमोल है एक तरह से लेटर की बात की जाए तो, क्योंकि जो उच्चारण होता है सब इसी से जो है सेट किया जाता है, कैसे क्या बोलते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि वह उच्चारण आप नहीं सेट कर सकते हैं, आपके द्वारा नहीं बोला जाता है, क्योंकि जब मान लीजिए चूँकि एक्चुअली लैंग्वेज हमारा नहीं है, ग्लोबल लैंग्वेज, या कह सकते हैं कि जो अंग्रेज लोग बोलते हैं या जहाँ से इंग्लिश का जन्म हुआ वहाँ पर उस वर्ड को क्या बोला जाता है। मान लीजिए यहाँ पर किसी चीज़ को, जैसे कि आप जो हमारा जो पहले का बोलते हैं ना खटिया, अगर खटिया को हम लोग, चूँकि इंडिया में पहले तो लोग खटिया ही बोलते होंगे और यही प्रचलन में था, बाद में जो आया पलंग आ गया है ना, पलंग भी बोलते हैं, और जिसे अंग्रेजी में बेड बोलते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं जो ये बेड है, ये बेड को बेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सामंजस्य बैठाया गया जब अंग्रेज यहाँ आए होंगे, तब उसके बाद देखा होगा अरे भाई जिसे ये लोग खटिया बोल रहे हैं उसे हम लोग बेड बोल रहे हैं, तो एक तरह से डिक्शनरी बना या एक तरह से समझ बढ़ा, और समझ ही आगे जो हम इंडिया में और जो इंग्लिश हुआ और इंग्लिश के में जो समानता बनी तो उसे लाया गया। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है वर्णमाला, ये वर्णमाला देख रहे होंगे और ये अल्फ़ाबेट है, तो हालांकि वर्णमाला जो है 36 है, लेकिन जो कि अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कहीं ना कहीं इस दोनों को जो है एक जैसा बनाया गया। जैसे कि आप कह सकते हैं हमारे कैलेंडर की बात करते हैं, हिंदी कैलेंडर होता है और अंग्रेज़ी कैलेंडर, हालांकि हम लोग अंग्रेज़ी कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो बात वही है, समय जो कि ये पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जोन होते हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम लिया गया है और उस टाइम को एडजेक्ट जो है सेट किया गया है ग्रीन बीच से, तो उसी तरह इंग्लिश को भी सेट किया गया है, और कि ताकि समानता बने और समझ बढ़े। तो ये जो है अल्फ़ाबेट, उसमें वॉवेल का योगदान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो बस्ता शेष हमारे पास वो है व्यंजन, जिसे हम एक्चुअली कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं, व्यंजन अलग है, तो ये कॉन्सोनेंट जो है वो 21 हो जाता है, तो 5 और 21 + 26 हो जाता है टोटल। तो ये है इंग्लिश वाले जो बात हो रहा है अल्फ़ाबेट का, वर्णमाला में 36 एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि 36 में ये अगर बत के व्यंजन जो है अकेले 36 है और स्वर जो है ये 13 है, तो इन दोनों को मिला दीजिए तो वर्णमाला कंप्लीट हो जाता है, ये हो गया 9, इधर आ गया 4 49 एक्चुअली वर्णमाला में जो है अक्षर है और अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि वॉवेल का योगदान है। मान लीजिए कि आप यहाँ लिखते हैं बट, इजी इसलिए ले रहे हैं ताकि आप समझ सकें, यहाँ फिर से आपने लिया है यहाँ पर, यहाँ BUT बट और PUT पुट। अब इसका उच्चारण यहाँ पर बट में यू का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है और पुट में ऊ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ, तो अंतर है, यानी एक ही अगर आप देख रहे होंगे ई जो है, सॉरी यू जो है, उसका दो तरह से बोल रहे हैं, एक तो अ के रूप में और कहीं ऊ के रूप में, तो ये क्या क्या कैसे कैसे बोलेंगे ये समझना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी वर्ड जो बनता है तो वो बनता है उसको कॉन्सोनेंट, आप यहाँ देखिएगा कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल को जोड़ने से जो है एक वर्ड बनता है, या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को जोड़ने से है एक वर्ड बनता है, तो ये होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है, इसी बात को ध्यान में रखना है कि चाहे तो पहले वॉवेल आएगा चाहे तो कॉन्सोनेंट, तो सबसे ज़्यादा होता है पहले कॉन्सोनेंट, उसके बाद वॉवेल,
फिर कॉन्सोनेंट वॉवल इसी तरह का जो है जोड़ बनता है, यानी कॉन्सोनेंट वॉवल वॉवल कॉन्सोनेंट करके एक वर्ड मीनिंग बनता है, वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है उस पर करते हैं बात, और ये हमेशा आपके दिमाग में बना रहना चाहिए कि वॉवल का उच्चारण कितने तरह से किया जा सकता है। जितना तरह से किया जाता है ये बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसी वजह से जो है कहते हैं कि यह कन्फ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए कि पिक्चर एक वर्ड है, पिक्चर एक वर्ड है, और पिक्चर में PICTURE जो है, इसे लोग अब सोचते हैं कि भाई ये चर कैसे पढ़ा जा रहा है, ठीक है, TURE को चर क्यों पढ़ रहे हैं, पिक तो समझ रहे हैं लेकिन PTURE को चर क्यों पढ़ रहे हैं। या कहते हैं एक वर्ड ले लेते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है, सब लोग जानते हैं, पुलिस। अब पुलिस में POLICE, ये पुलिस कैसे पढ़ा जा रहा है। तो ये जो सब हो रहा है सब अल्फा वेट का जो भॉवेल है उसी के अनुसार जो हो रहा है। एक्चुअली पुलिस को कई देशों में पुलिस भी बोला जाता है, लेकिन इंडिया में इसे पुलिस बोला जाता है। लिखते हिंदी में बिल्कुल ही अलग तरह से, उस तरह से नहीं, वहाँ लिखने का भी तरीका अलग है। तो देखिए पुलिस ऐसे हम लोग लिखते हैं इंडिया में, और जबकि ओ का उच्चारण कहीं से भी आपको लगता होगा भाई ऊ कैसे बोलेंगे, पी ओ है तो ओ बोलेंगे, पुलिस हो जाएगा, लेकिन नहीं, ओ का उच्चारण आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो है इस तरह से ऊ के रूप में भी हो रहा है, छोटी बड़ी अलग बात है। तो हो सकता है कि हिंदी लिखते समय कन्फ्यूज़न हो, गलत हो, लेकिन ऊ का उच्चारण हो रहा है। तो चलिए यही है, और इसे ध्यान देखिए जैसे कि ए का उच्चारण कैसे होता है, तो ई का उच्चारण अ आ ई ए, और आई का उच्चारण अ आ ई आई, ओ का उच्चारण अ आ ऊ ओ, और यू का अ आ ऊ ई ऊ, लास्ट में जो डबल ओ है उसका उच्चारण अ आ ऊ ओ और ऊ ओ है। तो इससे अब ये तो है, इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो आज देखते हैं आज के जो टेक्स्ट है कि कौन कौन से वर्ड है और उसे क्या आप बुलाते हैं। एक्चुअली मैंने यह डिसाइड नहीं किया, ये जो है जाहिर सी बात है। तो दोस्तों ये देखिए एक्चुअल में जो है बोलते हैं जैसे, वहाँ पर आपको समझना होगा कि भाई कहाँ पर क्या बोला जाता है। मान लीजिए ओ है तो वहाँ पर ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, यू का उच्चारण जो यू यू के रूप में हो रहा है, ए का उच्चारण जो है यहाँ पर ए के रूप में हो रहा है ना, और ई का उच्चारण जो है यहाँ ई के रूप में हो रहा है, छोटी के रूप में। तो ये कैसे समझ में आ रहा है जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, वो मैं बात करूँगा अगले नेक्स्ट एक साइड बात। तो देखिए ये है नन क्यूटेनियस, ठीक है, नन क्यूटेनियस। नेक्स्ट है दोस्तों इंट्राओसियस, थोड़ा तेजी में चलेंगे। नेक्स्ट है अनओवियस, अनओवियस। नेक्स्ट नन नेसेसिटस, नेसेसिटस। नेक्स्ट है इरिकेस, इरिकेसियस, तो इरिकेसियस है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बॉन्टियस। नेक्स्ट है फैक्टिशियस, पहला जो है टी आई को टी पढ़ेंगे, दूसरा टी आई को स में ई कार की मात्रा लगा सी पढ़ेंगे, तो फैक्टिशियस। नेक्स्ट है नली, नलीपेरस। नेक्स्ट है मल्टीपेरस। नेक्स्ट सेरेंडिपिटस, सेरेंडिपिटस। नेक्स्ट है हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस। नेक्स्ट है होमोफोनस, होमोफोनस। तो दोस्तों ये सब देखिए पेनी, पेन्यूरियस, पेन्यूरियस। नेक्स्ट है फेलोनियस। नेक्स्ट ऑरिफेरस। नेक्स्ट है डायोइसियस। नेक्स्ट आर्मीजेरस। इसका देखिए ट्रीमोने, ट्रीमोनोएसियस। नेक्स्ट वावे, तो ये बा वेवे, वेवेलियसियस। तो नेक्स्ट देखिए आइसोट्रोपस। नेक्स्ट है अंडर कोरस, अंडर कोरस। नेक्स्ट है मिर, मिरमेकोरस, मिरमेकोरस। सब देखेंगे कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। एंड्रोलेटरस, एंड्रो, एंड्रो, यहाँ देखिए एंड्रो हो जाएगा, एंड्रोलेटरस। नेक्स्ट है एनजीओ एस्पोरस। लास्ट में दोस्तों इंडे, इंडे कोरस। तो दोस्तों कहीं अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से आप वीडियो को जो है प्रीवियस करके देख सकते हैं, और किसे क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट यही है अगर कि किस वर्ड को क्या बोलते हैं। अगर आप डिक्शनरी उठाएंगे और बार बार से हर एक वर्ड को देखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो तरीका बताया जाएगा कि भाई कैसे पढ़ेंगे, देखिए डिक्शनरी अब उतना लंबा चौड़ा कोई लेता भी नहीं,
खरीदने को तो लोग डिक्शनरी जरूर खरीदते हैं, लेकिन उसे पढ़ नहीं पाते हैं, कभी रीडिंग भी नहीं कर पाते हैं, और जब करने लगते हैं तो बहुत उबाव लगता है, क्योंकि जो हिंदी है वो हिंदी इंग्लिश से भारी हो जाता है। एक्चुअल में उच्चारण जो है बहुत ही घुमा फिरा कर होता है, तो टेंशन में आ जाते हैं लोग और डिक्शनरी को बंद करके रख देते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो दिक्कत देखते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं सीख पाएंगे कभी भी। अगर मान लीजिए किसी वर्ड को तो आप पढ़ते हैं बहुत हद तक करेक्ट है, और कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप देखिए बगल में हिंदी, उस तरह से पढ़ेंगे तो ज़्यादा आप जल्दी सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहेंगे तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, यूट्यूब को माइक पर बोलिए, गूगल में भी टाइप और सर्च कर सकते हैं, और देखिए जहाँ आपको मिलेगा रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, रीडिंग जो अपने जीवन में सबसे अधिक पढ़िएगा अंग्रेजी, अगर पढ़ते हैं तो अंग्रेजी को ज़्यादा रीड करती है, उसके बाद अधिक से अधिक जो है लिखेंगे अंग्रेजी के मामले में, और उसके बाद सबसे कम बोलेंगे। ये इसलिए क्योंकि ये हमारी भाषा नहीं है, ग्लोबल लैंग्वेज है, और इंडिया में तो ज़्यादातर लोग स्थानीय भाषा भी बोलते हैं, उसके बाद हिंदी भी बोलते हैं, यानी कि करेक्ट हिंदी जो शुद्ध हिंदी होता है वो भी बोलते हैं, उसके बाद अपना भाषा होता है जो हम लोग जन्म लेते हैं तो घर में लोग बोलते हैं, जो कि हर एक कहा भी जाता है पहले के 3 कोस की दूरी पर जो है भाषा का जो है में बदलाव आता है। अब हर एक जैसे कि बंगाल की बात की जाए तो बंगला जो है प्रमुखता के साथ बोली जाती है, फिर नीचे बात करते हैं उसके नीचे ही है जस्ट उड़ीसा, जहाँ उड़िया प्रमुखता से बोली जाती है, यानी प्रमुख भाषा उड़िया है, उसके भी नीचे जो है तेलुगु बोला जाता है, फिर तमिल, फिर मलयालम, फिर ऊपर बढ़ेंगे तो कन्नड़, फिर जो है गुजराती, अगर फिर उस पर ऊपर बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, फिर राजस्थान में राजस्थानी जो कि हिंदी से मिलती जुलती बोली है, खड़ी बोली भी कह सकते हैं, फिर पंजाबी बोलते हैं लोग, गोवा में जो है एक अलग ही भाषा बोली जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ इंग्लिश की प्रमुखता से लोग बोलते हैं। फिर बात करते हैं आगे बढ़ते हैं तो हिमाचल हिंदी और कश्मीर में आप उर्दू या हिंदी, हिमाचल में हिंदी है, कश्मीर में उर्दू है, और भी बहुत सारा भाषा है। इसके अलावा जो यूपी है, बिहार है, या मध्य प्रदेश है, तो वहाँ मिला जुला कर हिंदी बोले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदी बोलते हैं, और भी भाषा जो लोकल स्तर पर बोलते हैं, स्थानीय स्तर पर, उसमें भी भिन्नताएं हैं, तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं, लेकिन तो इसी वजह से जो है इंग्लिश में लोग कम प्रयोग करते हैं। लेकिन आपके अपने जीवन में अधिक से अधिक अगर कोई कोई भाषा प्रभावित करेगी वो है आपका ये इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सबके लिए सब कुछ चाहिए, सब कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहता है, सब कोई इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहता है, इंग्लिश में लिखना चाहता है, इंग्लिश में बोलना चाहता है, ये आज के समय का मांग है, तो इसलिए इसे नज़र अंदाज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए विदाउट मतलब कि कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के पढ़ा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा का सारा सेट किया गया है, इंग्लिश से जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उस पर ग्रामर सेट कर दिए गए हैं, तो उससे भी आप लिखते लिखते सब समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ खैर सीख रहे हैं हम लोग अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें ये वाली, तो आइए देखते हैं सबको बारी बारी से जो है ब्रेक करके कैसे पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ देखिए ओ यूज के बारे में पहले जान लेते हैं, छोटी सी बात है, हालांकि ये सफिक्स वर्ड है हमारा, कोई भी वर्ड होता है उसमें कई हिस्से होते हैं, शुरुआत वाले हिस्सा को जैसे यहाँ पर एन ओ एन लिखा हुआ है, जैसे नन जब पढ़ रहे हैं ये है हमारा प्रीफिक्स, शुरू का जो है वर्ड है एक्चुअली लेटर है, जो पार्ट है अंग्रेजी का, जो एक वर्ड में एक पार्ट है, यानी कई पार्ट होते हैं समझ लीजिए, तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, मतलब इसमें जो अगर एक वर्ड पढ़ेंगे नॉन क्यूटेनियस, तो नॉन क्यूटेनियस में जो एक्चुअली 5 पार्ट मैंने किया है, आप हो सकते हैं इसे कई और पार्ट में बदल सकते हैं और इजी कर सकते हैं, तो अलग बात है, लेकिन ये जो नॉन है ये प्रीफिक्स वर्ड, जी हाँ दोस्तों क्या बोलेंगे इसे प्रीफिक्स वर्ड है, जबकि ओ यूएस को सफिक्स बोलेंगे। अब यहाँ देखिए ओ यूएस को कैसे पढ़ेंगे, किसी चीज़ को कैसे पढ़ेंगे, तो एक तो हमारा शुरुआत के वीडियो में पार्ट्स ऑफ वर्ड के ऊपर पूरा लंबा चौड़ा जो लेक्चर चला है उसमें भी आप देखेंगे नॉन क्यूटेनियस और ओ यू एस को जो है यहाँ पर अब क्या पढ़ेंगे, ओ यू एस को कब क्या पढ़ेंगे ये भी डिपेंड करता है, 2 तरह से पढ़ेंगे, ओ यू एस को अस पढ़ेंगे कब, जबकि ओ के बगल में जी तो ओ के बगल में कोई भी ए वोवेल ए आई ओ ओ और यू में से कोई एक जो आ जाता है तो इसे यहाँ पर अगर यहाँ पर है तो भोवल के उच्चारण जो है अस पढ़ेंगे, जबकि यहाँ पर ओ ओ के पहले कोई भी भोवल है तो अस पढ़ेंगे, अदरवाइज इसे इसे जो भी यहाँ पर लेटर रहेगा जैसे कॉन्सनेंट ही रहेगा तो उसे उसके लायक पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एन लिखा रहता तो एन से न होता है और ओ यू एस को अस पढ़ रहे हैं तो नस हो जाएगा, ये नस कैसे हो जाएगा आप समझ रहे हैं, न है तो न यहाँ आधा न प्लस अ अच्छा अस हो गया तो ये हो गया नस, ये नस हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ देखिए ओ के बगल में ई है तो उच्चारण हमेशा अस के रूप में, यहाँ अस मैंने लिखा भी है
जैसा देखिए दो बात, जैसा आप पढ़ेंगे वैसा ही बोलना होता है एक्चुअली, यानी जैसा बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, या जैसा लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। ये अलग बात है कि लोग कभी कभी गलत क्या है कि बोलते हैं और लिखते सही हैं, जैसे हम लोग भी वैसे ये बोलते हैं बहुत सारा गलत गलत जो है गलत तरह से बोलते हैं, लेकिन क्या है लिखते हैं करेक्ट है। और वैसा बहुत सारा है जैसे कि बोतल बोलते हैं, बॉटल पढ़ते हैं है ना, बोलते हैं बोतल और लिखने में बॉटल ही लिखते हैं बॉटल, उच्चारण बहुत सारा है जिसे आप देखेंगे अरे ऐसे बोलते हैं और लिख रहे हैं वैसे। अब बोलते हैं गिलास, लिखते हैं ग्लास, जी हाँ दोस्तों अब गिलास बोलते होंगे, बहुत सारे लोग ग्लास ही बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, मैक्सिमम लोग बोलते हैं गिलास, लिखते हैं ग्लास। तो ये सब जो है तरीका है लिखने का, बोलने में क्या डिफरेंसेस है, तो यही सब जो है कमी अगर आप समझते हैं तो कोई भी तरह का वर्ड पढ़ेंगे। अब देखिए जो बात करते हैं दूसरे दूसरा कैसे पढ़ेंगे, तो पहले ये देख लीजिए नॉन क्यू, ये देखिए यू का उच्चारण यहाँ ई यू के रूप में हुआ, ई यू के रूप में, तो इसी से क्या हो गया तो क्यू हो गया, और टी ए से टे हो गया, ए का उच्चारण यहाँ ए के रूप में हुआ, नी का नी हो गया, नॉन क्यूटेनियस। नेक्स्ट है इन, ये भी प्रीफिक्स वर्ड है इन, इन वो इसको अस पढ़ेंगे ही क्योंकि ओ के बगल में ई आ गया है इसलिए अस ही पढ़ेंगे, तो यहाँ इंट्रा ओसियस, इंट्रा ओसियस। नेक्स्ट पढ़ने का तरीका दोस्तों ये भी अन है, ये प्रीफिक्स वर्ड है अन ओवियस, ऑन ओवियस क्योंकि ओ के बगल में फिर से आई हो गया, यहाँ भी अस देख रहे हैं यहाँ भी अस देख रहे हैं। नेक्स्ट है नेसेसिटस, नेसेसिटस सी को से पढ़ा गया है, नेसेसिटस हो गया। नेक्स्ट देखिए इरी, इरिकेसियस, इरिकेसियस फिर से देखिए इरिकेसियस हो गया। एक और देखिए यहाँ पे यहाँ पे बहुत ध्यान देखिए ईरी, ईरी हो गया, यहाँ ई का मतलब ई हो गया और यहाँ आई का मतलब ही ई ही हो रहा है, ध्यान देखिए ई का मतलब ई और आई का मतलब ई हो गया, तो इरिकेसियस। नेक्स्ट है बोन, बॉन्टेयस, बॉन्टेयस ठीक है, बॉन्टेयस पढ़िए बॉन्टेयस, बॉन्टेयस के बाद नेक्स्ट जो हमारा देखिए ये वर्ड है फैक्टी, पहला जो है टी आई को टी पढ़ा गया है, टी आई को टी पढ़ा गया है, और दूसरा टी आई को जो है सी पढ़ा गया है, बहुत ध्यान से के दूसरा जो है टी आई से सी पढ़ा गया है, तो ये फैक्टी सीएस, फैक्टी सीएस। नेक्स्ट है नली पेरस, नली पेरस। नेक्स्ट है मल्टी पेरस, देखिए मिलता जुलता वर्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट है शेर, ई एन को पहले एन बोलते हैं आर लगा तो रेन हो गया, शेरन, शेरन डीपीटस, शेरन डीपीटस। नेक्स्ट देखिए हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस। नेक्स्ट है होमो, होमोफोनस, तो एन के बगल ओ के बगल में एन आ गया इसलिए नस, रस, टस, रस, रस, इस तरह से पढ़ रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट दूसरे स्लाइड की तरफ चलते हैं, लेकिन फिर से मैं बोलूँगा कि जहाँ पर दिक्कत हो रही है यहीं पर समझिए और वीडियो को बैक कीजिए और फिर से जो जैसा कहाँ क्या तोड़ा गया है अब उसको देखिए। नेक्स्ट है तो ये देखिए पहला है पेनू, पेन्यूरियस, पेन्यूरियस। नेक्स्ट है फेलोनियस। नेक्स्ट है ऑरीफेरस। नेक्स्ट डायोइसियस, डायोइसियस। नेक्स्ट है आर्मी जेरस। नेक्स्ट है ट्रीमोनो ईसियस, ट्रीमोनो एसियस ठीक है, ट्रीमोनो एसियस। नेक्स्ट है बावे, वावे एलियसियस, बावे एलियसियस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो देखेंगे ये है आइसो ट्रॉपस। नेक्स्ट है अंडे, सॉरी अंडे कोरस, अंडे कोरस। नेक्स्ट है मिर मे कोरस, मिर मे कोरस। नेक्स्ट है तो एंड्रो लेटरस, एंड्रो लेटरस। नेक्स्ट है एनजियो एस्पोरस, एनजियो एस्पोरस। दोस्तों इस तरह से है लास्ट के इंडे कोरस। तो आपका फिर से क्या करना हो कि फिर से वीडियो को जो है बैक कीजिए और कहाँ क्या उच्चारण किया गया है, क्योंकि स्लो बहुत ही नहीं पढ़ा सकता, तो कहाँ क्या उच्चारण किया गया सब बीच से देखेंगे और पढ़ने के लिए जो आप कर सकते हैं यहाँ पर यहीं से सीखेंगे तो आपको कोई दूसरा जगह नहीं अपनाना पड़ेगा अलग तरीके से, और एक तरह से वर्ड मीनिंग भी बहुत इजी तरह से आप सीख जाएंगे, और कोई भी आप एक बार पढ़ के देखिए और दूसरा लिख के देखिए बहुत ईजीली लिख बहुत ईजी तरह से आप लिख पाएंगे, शुरू में तो गलती होगी बाद में वो भी गलती नहीं होगी। अगर जब एक्चुअल उच्चारण अगर आपको पता चल जाएगा कि यही बोला जाता है तब एक्चुअल ही लिखेंगे कहीं कोई, क्योंकि भॉवेल तो बस पाँच ही है ना, तो बाकी लेटर्स आपको उच्चारण पता ही रहता है, भॉवेल का ही तो खेल रहता है। तो चलिए और आज के टेक्स्ट को देखते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश पढ़ने में एक्चुअली शुरू में बहुत सारे लोग अगर स्कूल गए हों हिंदी मीडियम से होंगे तो
एक्चुअली हिंदी वाले माध्यम में, हिंदी जो माध्यम होता है उसमें इंग्लिश शुरू से ही लेट से पढ़ा जाता है। अब क्योंकि एक ही बुक पढ़ना होता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं उसका सारा का सारा बुक, हिंदी छोड़कर सारा का सारा बुक जो होता है, संस्कृत छोड़कर, इंग्लिश में ही होता है। भले ही वो मैथ हो इंग्लिश में है, लोग वर्ड मीनिंग भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है कि अभ्यास हो जाता है। जैसे मोबाइल चलाना आप सीख जाते हैं ना, उसी तरह किताब को पढ़ना सीख जाते हैं, किताब को समझना सीख जाते हैं क्या लिखा हुआ। पूरी तरह से नहीं सीख पाते हैं, लेकिन सीख जाते हैं। जब लिखने की बात करें तो वो लिखने भी लगते हैं, और लेकिन क्या करेक्ट लिखते हैं यह 100% करेक्ट नहीं होता, लेकिन काम चल जाता है। लोग समझते हैं कि हाँ बच्चा लिखा हुआ है, क्योंकि मिला जुला कर याद करके लिखते हैं सेंटेंस को, तो एडजेक्ट वर्ड आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत हो तो उसमें मिक्सअप कर देते हैं तो चलता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो अगर आप सीखेंगे तो करेक्ट लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होगा आपको, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, और ये वर्ड मीनिंग है, ये लिखेंगे तो कहीं से कोई गलती नहीं होगा। हर एक तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर पर मैंने बात किया हुआ पहले से ही, कुछ बचा हुआ है उसको भी मैंने फिर से कंप्लीट कराना है, तो उसमें से हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे पढ़ते हैं, और जहाँ जब दिक्कत होगा वहाँ उस पार्ट को मैं बताऊँगा। जैसे देखिए विच है, विच ऑफ द फॉलो, जहाँ लो पढ़ते हैं, एल ओ लो होता है, तो फॉलो फॉलो, और आई से आई एन जी इंग होता है फॉलोइंग, ई आर को अर बोलते हैं, लगा तो लर हो गया, तो ये रूलर रूलर्स हो गया, कन सी उन कन बोलते हैं, ई एन को एन बोलते, भी लगा तो वेन हो गया, तो कन्वेंड कन्वेंड, तो कन्वेंड द फोर्थ फोर्थ, ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट। तो नेक्स्ट है बुद्धिस्ट है, ये बुद्धिस्ट है। कौंसिल कौन, यहाँ तक पढ़ेंगे कौंसिल इन कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर देखिए फॉलोइंग फिलोसोफीज, आई एस को इज बोलते हैं, तो फिलोसफीज, ये बार बार रिपीट होगा इसे हिंद आप देखेंगे, तो फिलोसफीज ऑफ इंडिया, प्रो ये भी बार बार रिपीट होता है, प्रोपाउंडेड प्रोपाउंडेड द एटम 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 नहीं एटम, ठीक है एटम, वो का उच्चारण आ के रूप में हुआ, थ्योरी थ्योरी आर वाई को री बोलते हैं तो री हो गया थ्योरी। विच दिल्ली, अब बोलते देखिए यहाँ लिखते हैं दिल्ली दिल्ली लिखते हैं और उच्चारण करते हैं दिल्ली, तो विच दिल्ली, चलो दिल्ली बोलेंगे हम लोग क्योंकि बोलना है ऐसे ही बोलते हैं लोग, लेकिन लिखते हैं दिल्ली ने लेके दिल्ली लिखते हैं। अब कहीं भी देखते हैं इंडिया की राजधानी कहाँ हुई, तो दिल्ली है, लेकिन बोलते हैं दिल्ली, ये भी बहुत बड़ी बात है, दिल्ली बोलना सीख जाइए अगर दिल्ली लिख रहे हैं तो, नहीं तो दिल्ली लिखिए, आई कर दीजिए यहाँ पर, एच को हटा दीजिए, यहाँ भी आई कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो विच दिल्ली सुल्तान इज नोन, ओ डब्ल्यू एन को ऑन बोलते हैं, केन लगा तो नॉन हो गया, तो नोन फॉर द अडॉप्टिंग, अडॉप्टिंग आई एन जी इंग हो गया, अडॉप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, देखिए पॉलिसी। विच मेडाइवल मेडाइवल, एल को बोलते हैं मेडाइवल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फेमस फॉर ई लेवो रे, एक के बाद ई आ गया, तो ई लेवो रेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ई आर को और बोलते हैं, मिल लगा तो वर हो गया, गवर्न हो गया, ई एन टू गेंट बोलते हैं, मिला तो मेंट हो गया, सेल्फ गवर्नमेंट पेट्रा पी एट्रा ड्यूरा इज रिलेटेड, ई री हो गया, आई ए के बाद ई आ गया, तो उच्चारण एक रूप में हुआ। रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, विच मुगल मुगल, अघल नहीं पढ़े मुगल पढ़ते हैं, उच्चारण में चूंकि एच है इसलिए मुगल लिखा जाता है, तो मुगल ई आर को आर बोलेंगे, आर लगा तो लर हो गया, रूलर रूलर, इस्टैब्लिश इस टैब लीस, ठीक है लीस यहाँ तक, ई डी इस्टेब्लिश, देखिए कारखानाज कारखानाज इस, अब इसमें भी कारखाना एक्चुअली वर्ड है हिंदी का, लेकिन उसमें भी इस लगा दिया गया कि बहुत सारे कारखाने हो गए, तो कारखानाज लिख दिया गया। फॉर द पेंटिंग ए आई, ठीक है पे हो गया, पेंट हो गया यहाँ तक, पेंट एक्चुअली आई एन जी से जुड़ गया, तो पेंटिंग हो गया। द डूअल सिस्टम सिस्टम ऑफ गवर्न, ई आर को आर बोलते हैं तो गवर्न गवर्न, और ए एन सी को एंस बोलते हैं तो गवर्नेंस, इन बंगाल बंगाल वॉज इन्फोर्स्ड इन्फोर्स्ड इन्फोर्स हो गया, इन्फोर्स्ड बाय पीडोमेंट, क्या हो गया पीडोमेंट पीडोमेंट हो गया, पीडोमेंट स्वैम्प एक मिट्टी एक प्रकार का, सॉयल
इज फाउंड, इसे एफ है तो यहाँ पर फाउंड है, अगर यहाँ से एस लिख देते तो साउंड हो जाता, और तो समझ लेते फाउंड साउंड, आर लिख देंगे यहाँ पर तो राउंड हो जाएगा, जी आर लिख देंगे तो ग्राउंड हो जाएगा। इसको देखिए, ओनली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, डी से ये प्रीफिक्स वर्ड है और ट्रिक हो गया, टेस्ट लग गया तो ट्रिक्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। तो ये क्वेश्चन था बीपीएससी से रिलेटेड, जो कि मैंने यहाँ पर आपको पढ़ के बताया कि कैसे कहाँ कहाँ तोड़ सकते हैं, और हर एक बार नया नया जो है ले रहा हूँ टेक्स्ट को। दोस्तों टेक्स्ट कोई भी हो, वर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे, और उसे पढ़ना कैसे, अब मान लीजिए हम विग्नर हैं, उसको उनको कह दें इंग्लिश पढ़िए तो वाकई में वो नहीं पढ़ पाएंगे। ऑफ द विच रूल, यही सब मेजर भूल कर आ जाएंगे, या एग्जैक्ट उच्चारण नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि सबसे बात जो अगली साइड में, और ये है हमेशा आपके दिमाग में रहने वाली बात है, जो कि भौवेल है, और इस भौवेल का उच्चारण देखिए वाकई में इजी है याद करना, लेकिन लोग याद भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो जैसे कि मान लीजिए पांच भौवेल है, एक एक्स्ट्रा मैंने लिया है ताकि इस तरह के वर्ड मीनिंग भी आप देखते होंगे, जिसमें सभी में जो है अ और आ तो आता ही आता है, तो ये कॉमन बात है। उसके बाद ए में ए और ई और आई का बात करते हैं, यहाँ भी छोटी बड़ी एक जैसा कॉमन है, तो ये हो गया। बाकी दो इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें दो दो और तीन, यही तो इतना ही तो याद करना है, दिमाग रखना या कॉपी पे लिख लिया, कभी भी वर्ड मीनिंग देखते हैं, मान लीजिए एक वर्ड ले लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एक वर्ड मैंने लिया है और मेरे पास मुझे याद नहीं है, कॉपी पे लिख लिए, यहाँ देखते हैं कि है या नहीं याद आ रहा है। ओ है, ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, यहाँ पर कई तरह से होते हैं, तो पता चलेगा कि कन हो गया यहाँ पर, आ का आया, आई का उच्चारण में जो है आई जो ई की छोटी के रूप में आया है कॉन्फी, ई में डेंस में ई में जो है ए का उच्चारण यहाँ है कॉन्फिडेंट, और सी को स पढ़ते हैं या ई को जो है अ पढ़ा गया, तो कॉन्फिडेंस इस तरह से पढ़ते हैं। वाकई में उच्चारण देखिए यहाँ पर आपको सेट मिलेगा हर तरह से, जैसे ए का उच्चारण, ई का उच्चारण, आई का उच्चारण, ओ का उच्चारण, यू का उच्चारण, डबल ओ का उच्चारण, उसके अनुसार हो रहा है या नहीं ये देखिए। जैसे ए है तो ए में देखिए सी ओ कंपनी में ओ का उच्चारण यहाँ पर देख रहे हैं अ के रूप में हुआ है, तो ये अलग बात है, पी ए एन वाई CompanyY, तो कंपनी में एक अवचरण जो है अ के रूप में यहाँ पर देखेगा, एक अवचरण यहाँ पर है, तो ये जो कंपनी है वहाँ पर एक अवचरण यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक रूप में यहाँ यहाँ हुआ है कंपनी। सॉल्ट में एक अवचरण जो आ के रूप में हुआ है, ये देखिए आ। हेलेन में एक अवचरण जो यहाँ पर एक रूप में हुआ ए है, और कैप में एक अवचरण जो ए के रूप में हुआ कै, तो यहाँ ऐप है, यहाँ मैंने माता लिखा है। पी आर पर में एक अवचरण जो है अ के रूप में, और पी आर को जो है कभी कभी पार भी बोलते हैं, जो कि यहाँ है पार आ के रूप में। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है छोटी बड़ी जो भी आप ले लीजिए, दोनों के रूप में हो सकता है लिखेंगे। प्रीफिक्स पेन में जो है ई का उच्चारण जो है ए के रूप में होता है। उसके बाद आई का देखते हैं, सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, तो ये हो गया सर। फिग में आई का उच्चारण जो है ई के रूप में हुआ, यहाँ जो है फिग। टीन में आई का उच्चारण जो है ई के रूप में हुआ, यहाँ है बड़ी ई। और प्राइम में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में, प्राइम टाइम लाइन साइन राइ सॉरी ये सब जो आई के रूप में उच्चारण किया जाता है आई का। अब ये सो इंसान में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में, यहाँ देखा आपने। आउट में ओ का उच्चारण जो आउट बोलते हैं, आउट आ गया। मून में डबल ओ में जो ओ का उच्चारण ऊ बड़ी ओ के रूप में, और यहाँ पर देखिए टोन में ओ का उच्चारण जो हो रहा है टी ओ एन ई टोन में ओ का उच्चारण हो रहा है ओ के रूप में, और ई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। एस यू एन सन में यू का उच्चारण जो है अ के रूप में, पुट में यू का उच्चारण इसी तो बोला था पुट में ऊ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ, और ट्यून में यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में आप देख रहे हैं। उसके बाद फ्लड में एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ। फ्लड रूम में डबल आर का डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ऊ के रूप में हुआ, तो ये होगा रूम। तो इसी तरह दोस्तों आप हर एक वर्ड मीनिंग में इस तरह के आप खोज सकते हैं कि क्या क्या उच्चारण हो रहा है। तो चलिए अब इस वीडियो में यहीं, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और भी लोग इंग्लिश पढ़ना सीख सके, क्योंकि आपके हाथ में जो मोबाइल है या जहां से भी आप पढ़ते हैं कहीं भी देखते हो तो इंग्लिश में ही लिखा रहता है, तो शुद्ध पढ़ना सीख जाइए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। एक सब्सक्राइब करने का एक तरीका यहाँ भी है, यहाँ से भी उनको सब्सक्राइब कर पाएंगे। साथ में प्रीवियस वीडियो के लिए यहाँ और यहाँ से जरूर टच कीजिए, कुछ प्रीवियस वीडियो मिलेंगे। अगर हमारे वीडियो को डे वन से देखना है तो प्लेलिस्ट को यहाँ से टच कीजिए, तो हमारे वीडियो को डे वन से देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद। थैंक्स अगेन।